नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। और वक्त हो गया है उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन का, जिसकी शुरुआत करेंगे देहरादून से आई इस खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात कर चर्चा की है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जिले के भ्रमण पर हैं, जहां उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन से मुलाकात भी की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वो जल्द ही उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने सीएम धामी को राज्य निर्माण के बाद अब तक का सबसे बेहतर सीएम बताया और कहा, सीएम धामी एक पराक्रमी और तेजस्वी सीएम है, जो अंतिम छोर के व्यक्ति की पीड़ा को भी समझते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री रुड़की जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री ने उप जिला चिकित्सालय रुड़की में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करना है। इसके साथ ही विधानसभा रुड़की, छबरेड़ा और भगवानपुर की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। साथ ही सिडकुल हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री ने 300 बेड के आईईएसआई अस्पताल का भी शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री सहित कई बीजेपी प्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता आदि मौजूद दिखे। तो ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां सीएम धामी ने आज सबसे पहले तो आपको बता दें कि बाबा रामदेव से मुलाकात की थी, जिसके बाद बाबा रामदेव ने सीधे तौर पर कहा था कि सीएम धामी अब तक के सबसे ज्यादा ऊर्जावान सीएम है। और हमारी हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है और हम भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व के आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। और आज हरिद्वार में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या घोषणा करने जा रहे हैं? हरिद्वार में जनसंवाद के कार्यक्रम है और इसके अलावा रुड़की विधानसभा में कार्यक्रम है। साथ ही हमारा ईएसआई का जो हॉस्पिटल यहाँ पर निर्माणाधीन है, उसको 300 बेड का कर रहे हैं हम लोग, उसका आज निरीक्षण का। मुख्यमंत्री जी, बाबा से मुलाकात हुई, आने वाले 2022 में चुनाव हुई है, क्या चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई है स्वामी जी? नहीं, चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और श्रद्धेय स्वामी जी का लगातार देखिए योग के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी पतंजलि का इतना बड़ा जो हमारा यहाँ पर फीट काम कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग जो है यहाँ से हर प्रकार से अपना हर प्रकार का लाभ अर्जन करते हैं। तो और स्वामी जी का हम लोगों को हमेशा से मार्गदर्शन रहा है। स्वामी जी एक आध्यात्मिक क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और संत समाज में हर क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहता है और आपके पास आने से नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह हम लोगों के अंदर आता है और उत्साह से ऊर्जा के साथ हम लोग काम करते हैं। टीचिंग लहर को लेकर स्वामी जी ने, आपने देखा होगा, कोरोना जैसी दवा लोगों के लिए लेकर आए थे और तीसरी लहर के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और तीसरी लहर, वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तीसरी लहर ना आए, अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं करी हुई। उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि इसके गठन के बाद सबसे तेजस्वी, युवा, पराक्रमी एक योद्धा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है, इससे हम गौरवान्वित हैं। एक सैनिक परिवार से आकर के संघर्षों और अभावों में पला हुआ व्यक्ति जो अंतिम आदमी की पीड़ा को समझता है और जिसके हृदय में इस प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता है, जैसा कि खुद धामी जी ने बोला कि इस प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ संत समाज और सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। यह एक बहुत बड़ा सपना और यह साकार होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत एक सॉफ्ट पावर, एक स्पिरिचुअल पावर के रूप में लोगों के लिए एक आदर्श है और उसमें उत्तराखंड और हरिद्वार वो उसका शिखर है, भारत का मुकुट है वैसे भी हिमालय, और यहाँ के जल, जंगल, जमीन, जवानी, पानी, जड़ी बूटियाँ, उन सब का सही से उपयोग करके और यहाँ हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो दृष्टि मैंने मुख्यमंत्री जी की देखी, धामी जी की, मुझे विश्वास है आने वाले समय में उत्तराखंड भारत का हर दृष्टि से नंबर वन प्रांत बने। इसके लिए जो आप अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके लिए हमने इनको आशीर्वाद भी दिया और जहां जहां जिस जिस प्रकार से
हमारे सहयोग साथ की आवश्यकता होगी हम देंगे, क्योंकि हमारा भी यही सपना है कि उत्तराखंड का अंतिम व्यक्ति, यहाँ का सामान्य जन, यहाँ का मिडिल क्लास और यहाँ की जितने भी अपर क्लास हैं, सब एक साथ यहाँ पर विकसित हों और पूरी दुनिया का, देश का सबसे आदर्श प्रदेश बने उत्तराखंड। इसके लिए हम सब मिल करके पुरुषार्थ करेंगे। आज हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामे का हरिद्वार का दौरा है, जहां उनका जो पहला कार्यक्रम स्थल है वो पतंजलि योगपीठ रखा गया था, जहां हेलीपैड बनाया गया था। हेलीकॉप्टर से पतंजलि योगपीठ पहुंचने पर आचार्य बालकृष्ण जी के द्वारा उनका पुष्प गुच्छे देकर स्वागत किया गया, जहाँ उन्होंने पतंजलि योगपीठ में पहुँचकर बाबा रामदेव और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद रुड़की अन्य कार्यक्रमों में शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में रुड़की, झबरेड़ा, भगवानपुर, सिड़कुल अन्य योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मैं इंतजार रजा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार। वहीं देहरादून में खुद नियम बनाने वाले ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सचिवालय की, जहां सचिवालय में लगी कूलर इन दिनों डेंगू के मच्छरों को न्योता दे रहे हैं। बता दें, आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा सचिवालय में रुके हुए पानी का निरीक्षण किया गया, जहां अलग अलग कार्यालय में लगे 8 कूलरों में डेंगू का लार्वा दिखाई दिया, जिस पर अधिकारियों द्वारा सचिवालय के कर्मचारियों को जागरूक करते हुए पानी को फेंकने की सलाह दी गई है। जिला नोडल अधिकारी सुभाष चंद्र जोशी ने बताया कि सचिवालय में डेंगू का लार्वा पाया गया है, जिसको निरीक्षण करने के बाद नष्ट कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब शासन के अधिकारी डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के लिए लापरवाही बरते हुए हैं, तो अन्य लोगों से भला कैसे जागरूक होने की अपील की जा सकती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नियम को धत्ता बताते हुए यहां पर अधिकारी नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जब निरीक्षण किया गया तो कूलरों में डेंगू का लार्वा मिला है। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर निरीक्षण किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डेंगू का पेशेंट नहीं है। अभी तक जनपद देहरादून में टोटल 15 डेंगू के रोगी पाए गए हैं, जो अधिकांशतः इंदिरा नगर वाले क्षेत्र में पाए गए हैं और सभी रोगी स्वस्थ हैं। यहाँ हमने कूलरों को देखा तो कूलरों के जिसमें पानी भरा हुआ उसमें लार्वा पाए गए हैं, और हमने उनको जिनके सामने कूलर लगे हैं उनसे बोल दिया कि इस पानी को गिरवाएं और इसको साफ। कितनी संख्या में आपको दिखे? लगभग इनने अभी हमारे यहाँ मतलब लगभग 8-10 कूलर देखे जिनमें लार्वा भरे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के बाद कर्नल अजय कोठियाल ने अब आम आदमी पार्टी की ओर मजबूती प्रदान करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में कर्नल अजय कोठियाल ने घनसाली विधानसभा के युवा नेता दिनेश लाल को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार आम आदमी पार्टी का संगठन और परिवार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए शुभ संकेत साबित हो सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक जो हलचल है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री चेहरा अजय कोठियाल है, उन्होंने भी अब तैयारी तेज कर दी है। तो ऐसे में 2022 के चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज नजर आ रही है। देखो, पार्टी का धीरे धीरे जो एक्सेप्टेंस है वो तो बढ़ता जा रहा है। अभी हम देख रहे थे कि कई जगह ना जैसे सर्वे होते हैं, तो उसमें सर्वे में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस दिन से डिक्लेयर करा गया है कि फेस, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फेस अजय कोठियाल डिक्लेयर कर दिया तो खाली उसी से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड में आ रहे हैं तो किस तरीके से लीडरशिप को हम समझते हैं कि कैसे इफेक्टिव हम आगे चीज़ें बना पाएंगे, तो उसमें हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक्सेप्टेंस जो है वो 10-15% तक दिखाई दे रहा है। अगर इतने कम टाइम पे हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है तो अभी तो हमारे ना मेन कैंपेन्स आए नहीं है। अभी हमने एक बिजली का कैंपेन करा था जिसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में शुरू हो गया सवाल जवाब, कि कोई बोल रहा है 100 यूनिट देंगे, कोई बोल रहा है देखेंगे, लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी ने जो रजिस्ट्रेशन कैंपेन चलाया था उसमें 10,85,000 ऐसे ही कुछ फिगर है मेरा एग्जैक्ट, पर 10 लाख प्लस फिगर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब जिस तरीके से ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स तो दिखा रहे हैं कि पार्टी और स्ट्रांग होती जा रही है। हम टच में हैं लोगों से और हम इनवाइट करना चाहते हैं कि आओ और पार्टी को ज्वाइन करो, पार्टी को मजबूती दो, जो आपके अंदर इच्छा है उत्तराखंड की तरफ उसे ना आज मौका है पूरा करने का।
देश जहां आज आजादी का अमृत महोत्सव व चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला को मना रहा है, तो वहीं प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 134वीं जयंती को भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर हल्द्वानी के पंत पार्क में नगर निगम के महापौर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठन के लोगों ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की स्मारक का लोकार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो वहीं कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भारत की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनके अमूल्य योगदान के लिए याद किया जाता है। गौरतलब है कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और इन्हें लोग आज भी उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए याद करते हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत के योगदान को उत्तराखंड के लोग हमेशा याद रखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और देश के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। देश की आज़ादी से लेकर शिक्षा से लेकर उन्होंने उनका योगदान पूरे भारतवर्ष में पूर्ण रूप से रहा और अभी भी पूरे हिंदुस्तान के लोग उन्हें याद करते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी को। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब उनकी जयंती पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, नागपुर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और आप लोग 134वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप लोगों का, सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तराखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए उन्होंने योगदान किया इस आज़ादी की लड़ाई से लेके। और उत्तराखंड ये तो बाद में बना, विभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जो योगदान पूरे समाज के लिए भारत निर्माण में जो रहा, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और वो आज हम सब की शान, हम उनके जो जितने भी उन्होंने काम किए इस देश के लिए, हमें उनसे प्रेरित रहना चाहिए और उनके जो भी मार्ग पर, जो बताए गए मार्ग पर चलकर इस देश की और प्रदेश की सेवा करने का हम संकल्प आज उनकी जयंती के अवसर पर लेते हैं। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज 134वीं जयंती यहाँ पे मनाई जा रही है। मैं इससे पहले, मैं आगे की बात करूँ, मैं पहले आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि पंजी हमारे पहाड़ की एकमात्र ऐसी विभूति थी जिन पर हमको गर्व है। और हर साल हम लोग यहाँ पर भव्य रूप से मनाते थे, लेकिन कोविड के चलते हम लोग कोविड के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि ये आदेश मिला था कि 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं होने हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर केवल माल्यार्पण का प्रोग्राम रखा। और वो प्रोग्राम हमको रखना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमको पंजी के कार्यों पर और पंजी हमारे आदर्श रहे, तो हम पर उन पर गर्व होना चाहिए। और यहाँ पर जो है, हमने केवल माल्यार्पण का कार्यक्रम 10 बजे से 12 बजे तक रखा है, जिसके चलते आप लोगों में एक बार फिर से बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। वहीं इसी क्रम में नैनीताल में भी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों व सर्वधर्म के लोगों ने पंडित जी के स्मारक पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। इस मौके पर आयुक्त कुमाऊं मंडल सुशील कुमार ने कहा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारत के महान विचारक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके विचारों को जो दिशा उन्होंने दिखाई थी, हम लोगों को उसका स्मरण कर अनुसरण करना चाहिए। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बता दें, इस मौके पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व नगर पालिका के सभी अधिकारीगण व कर्मचारी मौजूद रहे। हल्द्वानी में आज सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएमओ की टीम ने संयुक्त रूप से हल्द्वानी के लालठाड़ इलाके के घर में बिना नक्शा पास कराए चलाए जा रहे हॉस्पिटल को सील कर दिया है।
बता दें बीते दिनों प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस अस्पताल की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए आज इसे सील कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक अस्पताल संचालक को 3 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जिस आवासीय भवन में अस्पताल चल रहा था उसका नक्शा भी पास नहीं है। अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है और कुछ दवाइयां भी मिली हैं। सिटी मजिस्ट्रेट और ACMO के मुताबिक अस्पताल संचालक जब तक अस्पताल से जुड़े पेपर प्रस्तुत नहीं कर देते तब तक अस्पताल सील रहेगा। वहीं अस्पताल को सील करने के दौरान अस्पताल संचालक के वकील की सिटी मजिस्ट्रेट से तीखी नोकझोंक भी हो गई, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने बिना नक्शा पास किए चल रहे अस्पताल को सील कर दिया है। हालांकि अस्पताल संचालक के वकील ने प्रशासन की कार्यवाही को गलत बताया है। तस्वीरें हल्द्वानी की हैं, जहां पर अस्पताल को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आवासीय परिसर में यह अस्पताल चल रहा था, जब सिटी मजिस्ट्रेट वहां पर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल को सील किया। इस दौरान संचालक और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। यहाँ पे शिकायत मिल रही थी, अभी आज भी हमारे ऑफिस से शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो रुद्र हॉस्पिटल जो पहले कहीं और चल रहा था हल्द्वानी में, उसे यहाँ शिफ्ट किया गया था। तो हमने इनको 3 दिन पहले नोटिस दिया था कि अगर इनके पास नक्शा कमर्शियल में पास है या जो भी इनके डॉक्यूमेंट हैं या हमारे ऑफिस में मुझे दिखा सकते हैं, लेकिन इन्होंने नोटिस का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है और हमारे यहाँ से प्राधिकरण से इनका कोई भी नक्शा पास नहीं, आवासीय नक्शा भी पास नहीं है और हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था, इसलिए प्राधिकरण की हैसियत से इसको हॉस्पिटल को जो है सील किया गया है। साथ ही इसके द्वारा अलग से भी ये जांच की जा रही है कि ये हॉस्पिटल का लाइसेंस है या इसे अथॉरिटी है या नहीं, इसके लिए मैं और हमारी ACMO हमारी ज्वाइंट रिपोर्ट हम DMO को प्रेषित कर रहे हैं। दिखाए गए और मेरी नोटिस के बाद उसका जवाब भी नहीं दिया गया था। गए और उन्होंने वहाँ पर शिकायत करी और 2 बजे यहाँ पर प्रशासन की टीम आ गई। इससे पहले यहाँ पर JE साहब आए थे, उन्होंने जब चालान की बात कही तो यहाँ पर जो एक बनाया गया था, कहते हैं इसको रैम बनाई गई थी, रैम को तोड़ के पूरा हमने सिस्टम को सेट कर दिया और एस अकॉर्डिंग टू जो RVU एक्ट है, RVU एक्ट को डील कर अस्पताल संचालित नहीं हो रहा था, अस्पताल अपनी गति पैदा हाँ नहीं नहीं गतिमान नहीं था, अभी शुरू होने की कगार पे था, अभी शुरू कुछ नहीं हुआ था। हैं हाँ शिफ्टिंग का ऑन प्रोसेस है और उसकी एप्लीकेशन वहाँ पर मूव हो चुकी है। हॉस्पिटल जो पूर्व में संचालित किया जा रहा था, जिसको हम लोगों ने इनिशियली पहले सील कर दिया था, उसके बाद जब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए थे तो खोल दिया था। अब इन्होंने शायद चेंज ऑफ प्लेस के लिए एप्लीकेशन डाली है, लेकिन 8 जून को CMO के द्वारा सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि जब तक इनको अथॉरिटी नहीं मिलेगी अस्पताल संचालित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह अंदर हम लोगों ने कंडीशन देखी है, सारा सामान यहाँ पे है, OT भी दवाइयाँ भी खुली हुई मिली हैं और OT भी चल रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि OT भी चल रही है और सारा ICU बेड्स भी दिख रहे हैं, ऑक्सीजन सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित हो रहा है, जब हम आए थे तो प्रोसेस चल रहा है। तो लेकिन इनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जब तक इनको रजिस्ट्रेशन CA के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा ये अस्पताल संचालित नहीं कर सकते। हरिद्वार में विकास खंड रुड़की द्वारा एक गजब का कारनामा सामने आया है, जिसकी वाहवाही करते ग्रामीण थकने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में गांव भारापुर डेरा के ग्रामीणों द्वारा काफी प्रयास के बाद सरकार द्वारा एक सड़क का निर्माण कराया गया था। सड़क तो जैसे तैसे बन गई, लेकिन इस सड़क के बीच खड़े बिजली के ट्रांसफार्मर को ये लोग हटाना भूल गए और अब इसे हटाने में आनाकानी करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीच सड़क पर खड़े इस ट्रांसफार्मर से लोगों को हमेशा किसी अनहोनी के होने का डर लगा रहता है। हालांकि गांव के लोग बार बार इस ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए कभी विधायक तो कभी अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, पर अब तक मामले में कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही। तो तस्वीरें हरिद्वार की है, जहां गजब का खेल देखने को मिल रहा है, जहां पर ट्रांसफार्मर वहीं का वहीं रह गया। बीच सड़क पर बिजली का ट्रांसफार्मर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सड़क बन गई लेकिन ट्रांसफार्मर बीचों बीच अभी भी स्थित है और रात में दिक्कत भी हो सकती है लाइट में, यानी कि रोड बंद है, रोड ने बंद कर रखा है। हमारा आगे रास्ता है जाने के लिए, हम ट्रैक्टर रोटर लॉरी कुछ भी ला सकते हैं। अब इन खंभों की वजह से इस रोड का कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे एक दिन वाहन भी इधर पलट गया था, एक तो सर इसे हटवाया जाए हमारी के हिसाब से। ये और बरखा में करंट भी आता हो तब मतलब घटना हो जा, करंट लग जा उनको तो बहुत परेशानी है। तो जब ये रोड खंभा हटाया, विरोध किया था हमने, बुलाए भी थे, ये भी बुलाया था, उसने आश्वासन यूँ दिया था कि मैं तुम रोड बना दो मैं तो हटा दूंगा अगर ये रोड बनने से पहले था। उस टाइम तो बहुत अच्छा था कि उसने लिखा था मैं हटा दूंगा और हमने बुलाया, पैसों की तो मांग तो करो कि एस्टिमेट बनाऊंगा,
बाकी और कुछ नहीं। उत्तरकाशी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों, शोधकर्ताओं व किताबें पढ़ने के शौकीन लोगों को शुक्रवार को आधुनिक पुस्तकालय के रूप में बड़ी सौगात मिली है। बता दें, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने फीता काटकर इस जिला पुस्तकालय का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल व जिलाध्यक्ष बीजेपी रमेश चौहान आदि भी मौजूद रहे। बता दें, 13 लाख की लागत से जिला पुस्तकालय का सौंदर्यीकरण कर इस लाइब्रेरी को आधुनिक रूप दिया गया है। इस पुस्तकालय में 45,000 से अधिक किताबों के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं जैसी नवीन अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक साबित होगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के चलते पिछले करीब 4 महीनों से बंद पड़ी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है। जहां उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को यात्रा खोलने के मामले में संयुक्त प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, 9 सितंबर को राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यात्रा को खुलवाने की मांग को लेकर दायर स्पेशल अपील को वापस लेते हुए आज दोबारा नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया कि चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि इससे हजारों लोगों की आजीविका भी चलती है, लिहाजा यात्रा को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। जिस पर कोर्ट ने सरकार व याचिकाकर्ता को निर्देश जारी कर कहा है कि कोविड गाइडलाइन प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष संयुक्त प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल करें, जिससे कि यात्रा खोलने संबंधी मामले में कोई निर्णय लिया जा सके। बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख निश्चित की गई है। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि आने वाली सुनवाई में कोर्ट यात्रा को खोलने के आदेश दे सकती है। वहीं रानीखेत में गणेश भगवान की शोभा यात्रा निकालकर गणेश महोत्सव का शुभारंभ कर दिया गया है, जहां आज शाम शिव मंदिर परिसर में श्री गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। वहीं इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सादगी के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं आज से सुबह शाम मंदिर परिसर में भजन कीर्तन व आरती का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद 16 तारीख को प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। वहीं शोभा यात्रा के दौरान क्षेत्रीय विधायक करण महारा, ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत व व्यापार मंडल अध्यक्ष मंटू चौधरी आदि मौजूद रहे। तो रानीखेत की तस्वीरें हैं, जहां पर गणेश महोत्सव का आज शुभारंभ कर दिया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर इस महोत्सव में भाग लिया। 17 वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर आए मराठा लोगों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जिसमें हमारे रामचंद्र मराठा जी मुख्य अध्यक्ष के रूप में इसमें काम करा उन्होंने और अब भी कर रहे हैं। इस वर्ष कोविड नियमों का पालन करते हुए बहुत कम भीड़ के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है और यह आयोजन शिव मंदिर रानीखेत के परिसर में किया जा रहा है। किसान आंदोलन 10वें महीने में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं निकला है। किसानों के अनुसार सरकार टस से मस नहीं हुई है और वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है। वहीं आज किसानों ने लक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 22 सितंबर 2021 को लक्सर से किसान यूनियन सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी। किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड से बीजेपी का राज खत्म करने की शुरुआत लक्सर से की जाएगी। बता दें, 22 सितंबर को लक्सर में किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें भारी तादाद में किसानों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं लक्सर पहुंचे किसान यूनियन के उत्तराखंड प्रदेश महासचिव रवि कुमार ने कहा है कि सरकार जो हठी रवैया अपना रही है उसके खिलाफ लक्सर में महापंचायत की जाएगी और इस महापंचायत में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत भी शिरकत करेंगे। तैयार है, हम जितने भी हम साथी हैं, लक्सर में बहुत बड़ी महापंचायत होगी, उसमें कोई किसी किस्म की कोई खामियां होनेगी नहीं। हम पूरे किसान मजदूर जितने भी हैं हम सब साथ लेकर चलेंगे, जितने संगठन हैं हमारे जैसा संयुक्त मोर्चा है सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसी ऐतिहासिक पंचायत होगी, राकेश टिकैत जी का प्रोग्राम अगर हमने लिया, कोई वैसे ही नहीं लिया, वैसे ही ले लिया कि नहीं कर लेंगे, 2-4 हज़ार आदमी हुए इकट्ठे पंचायत कर ली, राकेश टिकैत जी या जिस पंचायत को चाह रहे हैं ऐसी पंचायत देंगे, उससे कभी भी कम नहीं होगी। मुझे ये कहना, ये जो बार बार एक बात ही कहें तो मुठ्ठी भर किसान
और इस मुट्ठी भर किसान में हम इन्हें यह एहसास करा देंगे उत्तराखंड कहीं भी पीछे नहीं है किसानों के साथ। और ये महापंचायत, ये लक्सर की जो 22 तारीख की महापंचायत है, ये इसे दर्शा देगी अब उत्तराखंड का किसान भी इसमें पीछे नहीं है, बढ़ चढ़ का हिस्सा लेगा। हमारा ये है कि अभी 5 सितंबर को हमारी मुजफ्फरनगर संयुक्त किसान मोर्चा की एक ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी। उस पंचायत में निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार और चुनाव आने वाले वहीं वहीं हम बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, और बीजेपी का सुपड़ा साफ करा जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार से यहाँ उत्तराखंड की जनता भी पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुकी। किसान ही नहीं, मजदूर नहीं, आम जनता भी इनकी नीतियों से तंग आ ली। केवल बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े वादे किसानों के साथ में करे थे कि कर्जे माफ करेंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में होंगे, कर्जे माफ उद्योगपतियों के करे, सारा देश उद्योगपतियों को बेच दिया, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो इसी क्रम में यहाँ बीजेपी की सरकार है और ये सरकार पूर्ण रूप से किसान मजदूर आम जनता की विरोधी है। इस जनता को ये जनता 22 तारीख में राकेश टिकैत जी के द्वारा यहाँ महापंचायत की जा रही, यहाँ से शुरुआत की जाएगी और आने वाले चुनाव में उत्तराखंड से बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ करने का बिगुल लक्सर की महापंचायत से बगाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।